हे भगवान, आज इतनी रात हो गई आने में, ऊपर से रास्ता भी जंगल का। भाग लूं फटाफट इससे पहले मेरी बैंड बजे। भाग राहुल, जल्दी से जंगल से निकल ले। तभी जंगल में चलते हुए राहुल को कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। ये आवाजें सुन के राहुल एक पल को चौंक जाता है। ये कैसी आवाजें हैं बे? मुझे लगा जैसे कोई गाना गा रहा है पीछे से। ये मेरा वहम है या हकीकत? तभी कोई हवा जैसी तेजी से राहुल के सर पे पंजा मारता हुआ हवा में ही लुप्त हो जाता है। ये महसूस करके राहुल हक्का बक्का भौचक्का हो जाता है। अरे कोई है यहाँ, कोई भूत बला है यहाँ, भागो, कोई बचाओ, अरे बचाओ, कोई है। भागता भागता राहुल सड़क पे आ जाता है। तभी उसे सामने से तेज स्पीड में एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। राहुल गाड़ी को हाथ देने की कोशिश करता है। रोको भाई, रोको, मेरी मदद करो भाई, रोको, रोको। गाड़ी एकदम तेज ब्रेक से रुकती है। राहुल हड़बड़ाता हुआ गाड़ी के शीशे के पास जाता है और शीशा खुलवाने के लिए हाथ पीटने लगता है। भैया शीशा खोलो और मेरी मदद करो, जल्दी करो भैया। पर ये क्या, जैसे ही काला शीशा नीचे होता है, अंदर बैठे हुए को देखकर राहुल की जोर से चीख निकल जाती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक डरावना जो जला हुआ था। कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो। इस जले हुए चेहरे को देख के राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या मदद चाहिए तुम्हें? कहाँ छोड़ दूं तुम्हें? कह के वो भूत गाड़ी से नीचे उतर जाता है और राहुल की तरफ बढ़ने लगता है। देखो 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 मेरे पास बताओ, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, खबरदार जो मेरे पास आए। भूत तभी उसके चेंजर पे हमले करता है और हवा में गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही गाड़ी भी गायब हो जाती है। राहुल उसके हमले से अधमरा हो जाता है और वहीं कराहते हुए गिर जाता है। कोई बचाओ। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है, राहुल को कराहता देख वहीं रुक जाता है। अरे भाई, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में? राहुल को पता था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि भीम भी उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाले। कोई है भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था पर मेरे ऊपर हमला हुआ है, तुम यहाँ मत रुको, यहाँ कोई है, मैं अब नहीं बच सकूंगा, पर तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। और इतना कहकर राहुल वहीं दम तोड़ देता है। भीम ये सुन के अचंभे में पड़ जाता है और उसी समय एम्बुलेंस को फोन करता है और राहुल की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। घर पहुंचकर भीम राहुल के कहे शब्दों को सोचता रहता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, आखिर ऐसा क्या रहस्य है वहाँ का? पूरी रात भीम को नींद नहीं आती। अगली सुबह होते ही भीम उसी जगह दोबारा जाता है। क्या हो सकता है यहाँ पर जिससे वो आदमी मुझे आगाह करना चाह रहा था? मैं तो ये रास्ता रोज तय करता हूँ, फिर ऐसा क्या रहस्य था उस कोई है में जो मुझे नहीं पता? बहुत छानबीन के बाद भी जब
भीम को निराशा ही हाथ लगती है तो वो घर लौट आता है। अगले दिन जब रात को वो उसी रास्ते से आ रहा होता है तभी वहाँ भीम को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? कौन है? देखो मुझे डराने की कोशिश भी मत करो, तुम जो भी हो सामने आओ मेरे। तभी उसे एक आवाज आती है। कोई है? ये खेल है मौत का, बताओ खेलना चाहोगे? तुम जो कोई हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ जंगल के पत्तों में कुछ हलचल सी होती है। भीम एक पल तो डर जाता है और उसे लगता है जैसे बड़ी बड़ी भयानक आंखें उसे पत्तों के बीच में से देख रही होंगी। ऐसे छुप छुप के डराने का कोई फायदा नहीं, हिम्मत है तो सामने आ मेरे, फिर देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी पत्तों के बीच में से एक जला हुआ चेहरा झांकता है। माड़ी हिम्मत है तुझमें जो मुझे ललकार रहा है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? भीम वो भयानक चेहरा देख के एक पल को डर जाता है पर हिम्मत करके वो उसका जवाब देता है। मासूमों की जान लेने में क्या ताकत है? हाँ मेरे सामने, तुझे भी लगेगा कि किससे पाला पड़ा था तेरा कभी। तभी सनसनाती हवा के साथ एक जला हुआ चेहरे वाला भूत हवा में ऊपर उड़ता हुआ नहीम के सर के ऊपर से गुजरता है और उड़ते उड़ते से नहीम पर शक्तियाँ फेंकता है और भीम को भी हवा में कर देता है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मुझे डरा देगा? आज मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझसे डर के नहीं मरूंगा। मरूंगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़के। तेरा काम होगा भोले भाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारना, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर के तुझसे जिंदगी की भीख मांगे। लगता है तेरी ऐंठ नहीं गई अभी तक। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, मुझसे मुकाबला करेगा तू? फिर भूत अपनी शक्तियों से भीम को उठा उठा के फेंकने लगता है। तू मुझे चेतावनी देगा, ले भुगत अब। जला हुआ खूंखार भूत खूंखार रूप में आता है और भीम पर अपनी सारी शक्तियाँ आजमाने लगता है। जितनी भी शक्तियाँ हैं आजमा ले तू, मैं मरूंगा तो शान से, तुझसे डर के नहीं। ये ले फेर। तभी भूत उसे शक्तियों से उछालकर पेड़ के ऊपर लटका देता है और उसके चेहरे पर हमला कर देता है। जो भी करना है कर ले, पर तुझसे नहीं डरूंगा। जिससे भी भगवान ने जिंदगी दी है वो कभी ना कभी तो मरता ही है, पर डर डर के जिया भी तो क्या जिया, मारना है तो मुझे शौक से मार दे। भीम की निडर बातें सुन के भूत का हौसला डगमगा जाता है। तू पहला व्यक्ति है जो इतनी मार के बाद भी मुझसे नहीं डर रहा, तुझे मार के भी क्या फायदा, मैं एक भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, वो मेरा खौफ है। तभी भूत उसे पेड़ से रिहा कर देता है और भीम धम से नीचे आ गिरता है। बहरहाल भीम दर्द से कराह रहा होता है पर अभी भी उसे मरने का कोई खौफ नहीं होता। ये देखकर भूत एक निर्णय लेता है। आज मैं अपनी योनी से विरुद्ध जाके तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। और भूत वहाँ से हवा में गायब हो जाता है। भीम वहीं बेहोश हो जाता है और सुबह तक वहीं पड़ा रहता है। सुबह जब कोई यात्री वहाँ से गुजरता है तो भीम को देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। कुछ दिनों में भीम भला चंगा हो जाता है। भगवान मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू अपने बंदों की जान हमेशा सलामत रखेगा, तूने मुझे बुरी शक्ति के सामने हारने नहीं दिया, इसलिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक होते ही भीम सबसे पहले उस जंगल से जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लगवाता है जिसपे लिखा होता है, कोई है।